हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आज हम करेंगे चैप्टर 3, दैट इज डाटा हैंडलिंग. ठीक है, हमारे प्रीवियस वीडियोस में वी डिड चैप्टर 2, दैट इज फ्रैक्शंस पार्ट 1 एंड डेसिमल्स पार्ट 2. ठीक है, टू पार्ट्स में किया था, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स इफ यू हैव एनी डाउट्स और यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स. सिमिलरली नाउ वी आर गोइंग टू डू वन शॉर्ट रिविजन ऑफ चैप्टर 3, दैट इज डाटा हैंडलिंग. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. बिफोर दैट, ace your school exams with an academy. So this is about the an academy plus and iconic subscription, and also you can get 10 flat 10% off if you use the code SPGSS10. ठीक है, इसके benefits के बारे में मैं आपको class के end में ज़रूर बताऊँगी, right? And if you want flat 10% off discount, use the code SPGSS10. Moving forward, welcome to the class everyone. I am Gurleen Singh, your maths educator. I have 2+ years of teaching experience through online and offline modes both. Also, I'm UGC NET qualified educator. Moving forward, let's start. Now, what is data handling? It is the process of organizing the data in such a way so as to draw some meaningful conclusions from it. ठीक है, information can be drawn from the data through measures of central tendency. अब ये measures of central tendency क्या है, इसके बारे में हम जल्दी पढ़ेंगे. So, process of organizing the data. इसका क्या मतलब होता है, मीनिंगफुल कंक्लूजन, कि अगर मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करनी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए. जैसे अगर मेरे पास एक डाटा सेट गिवन है, फॉर एग्जांपल आई हैव 4, 3, 2, 6, 9, 7, इस तरह से मेरे पास एक डाटा गिवन है. अब ये तो सिर्फ नंबर्स है ना, आई कैन नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन फ्रॉम इट, मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही हूँ. तो सबसे पहले मैं डाटा को अरेंज कर लेती हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 6, 7 एंड 9, मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. नाउ एटलीस्ट आई नो कि चलो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सेंट्रल वैल्यूज क्या आ रही हैं, मिडिल वैल्यूज क्या है. तो इस तरह से अगर मैं डाटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाती हूँ या उसे किसी भी तरह अरेंज करती हूँ, ठीक है, दैट इज नोन एज डाटा हैंडलिंग, व्हेन आई नीड सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा. सो और इन्फॉर्मेशन मैं कैसे ले सकती हूँ इस डाटा से, फॉर एग्जाम्पल ये मार्क्स थे, मान लो ये मार्क्स थे आउट ऑफ 10 ऑफ सम स्टूडेंट्स, उसको मैंने अरेंज किया तो मेरे को सबसे यू नो लीस्ट मार्क्स पता लग गए, हाईएस्ट मार्क्स पता लग गए. ठीक है, दैट वे नाउ आई कैन ड्रॉ सम मोर कंक्लूजन फ्रॉम इट थ्रू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सो इसी पे हमारा सारा चैप्टर बेस्ड है. मैं अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी इज की एक ऐसी वैल्यू दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ऑल अदर डाटा इन द क्वेश्चन. ठीक है, बहुत सारे नंबर्स हैं, अगर मैं मीन निकालती हूँ मेरे पास एवरेज आ जाता है, आई फाइंड आउट द मीन ऑफ द डाटा, सो आई गेट वन सच नंबर दैट इज गोइंग टू गिव मी इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल अदर डाटा, कि एवरेज कितना है, कि उसके आसपास सारी वैल्यूज घूमती हैं. देन मीडियन, मीडियन इज वॉट, इट इज द सेंट्रल वैल्यू, कि बिल्कुल सेंटर में कौन सा नंबर लाई करता है. एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोड, विच इज द नंबर दैट कम्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. सो बेसिकली दीज आर द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, पहले से शुरू करते हैं, दैट इज मीन. नाउ व्हाट इज मीन ऑफ द डाटा, ओके जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा, ओके नाउ इट्स फाइन. ओके, मीन ऑफ द डाटा इज, इट इज एन एवरेज एंड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ डाटा, ऑफ अ ग्रुप ऑफ डाटा. ठीक है, मतलब कि एवरेज है, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ डाटा. और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कुछ लिखती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 5, 4, 6, ठीक है, 2, 3, इस तरह से, राइट, मैंने 5 नंबर्स लिखे हैं. अब इसका मुझे अगर ऐसा एक वैल्यू ढूंढना है जो इन सबका एवरेज है या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, हम वो फाइंड आउट करते हैं. सम ऑफ ऑल द वैल्यूज आई एम गोइंग टू ऐड 5, 4, 6, 2, 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, कितने हैं, 5 डिजिट हैं, तो डिवाइड बाय 5 कर दूंगी. लेट्स ऐड देम, दिस इज 10, 15 एंड 20. ठीक है, तो टोटल आ रहा है 20 upon 5, एंड वी नो दैट 5, 4 इज 20, तो इसका आंसर कितना आया, 4. नाउ 4 इज वॉट, 4 इज सच अ वैल्यू जो इन सारे डिजिट्स को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब 4, 2 से भी ज़्यादा दूर नहीं है, 5 से भी ज़्यादा दूर नहीं है, 6 से भी ज़्यादा दूर नहीं है, 3 से भी ज़्यादा दूर नहीं है, बेसिकली इन द सेंटर लाई करता है. सो इसी को हम, इससे हम एवरेज ऐसा डाटा निकाल सकते हैं. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मार्क्स होते, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दीज आर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10. सो इसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स दैट यू नो
अगर मेरे को अब मेरे से कोई पूछेगा बच्चों के कैसे मार्क्स आए, सो आई विल नॉट से कि एक के 2 मार्क्स आए, एक के 3 मार्क्स आए, एक के 4 मार्क्स आए. सो आई विल से कि ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स आए हैं, मतलब उसके आसपास ही मार्क्स आए हैं, किसी के कम किसी के ज़्यादा, बट नियर टू 4. सो दैट इज़ वॉट योर एवरेज मीन्स. ओके चलो लेट्स डू अ क्वेश्चन. माया गॉट 35 मार्क्स, सानिया गॉट 28 मार्क्स एंड श्रेया गॉट 40 मार्क्स. What is the average marks that they got? So now we are going to use our formula. ठीक है, what is that? Sum of all values divided by the number of values. Right? So let's add these. This is 35 plus 28 plus 40 divided by 3, क्योंकि 3 values है. ठीक है, 40, 50, 60, 70, 75 हो गया. देन वी हैव 75 प्लस 28 विच इज इक्वल टू 103. ओके सो 103 को 3 से डिवाइड करेंगे, 40 प्लस 35 प्लस 28. ओके 103 डिवाइडेड बाय 3. सो ये आपका जो आंसर है वो डेसिमल्स में आएगा, इट इज समवॉट लाइक 34.33, कुछ इस तरह से. ठीक है, सो ये एवरेज मार्क्स है. एक ऐसी वैल्यू है जो यू नो यू विल सी इट्स अ सेंट्रल वैल्यू, 40 से भी ज़्यादा दूर नहीं है, 28 से भी ज़्यादा दूर नहीं है. सो 34.33 मार्क्स इज माय एवरेज स्कोर. ठीक है, हम कभी कभी से राउंड ऑफ भी कर लेते हैं, 34 भी लिख सकते हैं, बट एग्जाम में, ठीक है, फॉर नाउ वी विल नॉट राउंडेड ऑफ. एग्जाम में एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप आंसर जरूर निकाल के आना. ठीक है, टिल 2 डेसिमल प्लेसेस यू शुड फाइंड आउट द आंसर. ओके चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स. ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, आई विल हैव टू लिस्ट द 5 प्राइम नंबर्स एंड देन मैं उसका मीन निकालूंगी. सो आवर फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2. ठीक है, इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. देन वी हैव 3, देन वी हैव 5, राइट, फिर है 7, फिर होता है 9, नहीं होता 11 होता है. ठीक है, याद रखना है इस चीज को. सो हो गए हमारे 5 प्राइम नंबर्स, 2, 3, 5, 7 and 11. सो वी डिवाइडेड बाय 5. सो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5, 10 एंड 21, 28. सो दिस इज 28 डिवाइडेड बाय 5. वी नो दैट 5, 5 इज 25 एंड 30, तो 5.6 आएगा, है ना. 5.6 इज गोइंग टू बी योर एवरेज वैल्यू. ठीक है, इट इज अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स ऑल द 5 प्राइम नंबर्स, एक तरह से सेंट्रल वैल्यू है. सो आंसर इज 5.6. और फॉर्मूला क्या लगाया, सेम फॉर्मूला इन द एग्जाम. व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑलवेज राइट द फॉर्मूला. ठीक है, उससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, अगर एक आधी मिस्टेक इधर उधर हो गई, टीचर विल बी हैप्पी टू सी एटलीस्ट यू हैव रिटन द फॉर्मूला. ठीक है, एंड स्टेप मार्किंग में फॉर्मूला के अलग से भी मार्क्स होते हैं. ओके, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज. क्लियर, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, राजू रिकॉर्डेड द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज एज फॉलोज, फाइंड द मीन ऑफ द डाटा. ठीक है, अब ओके सो वंस अगेन, अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि यू नो कि व्हाट इज द टेम्परेचर टुडे, ठीक है, इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं हर सिटी का अलग से नहीं बताऊंगी. आई विल फाइंड आउट सच अ वैल्यू दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल दीज टेम्परेचर्स. ठीक है, जिस नॉर्थ इंडिया के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ साउथ में तो बहुत डिफरेंस होता है ना टेम्परेचर का. नॉर्थ इंडिया का एवरेज टेम्परेचर बताना है, तो मैं क्या करूंगी, सारी सिटीज का एवरेज ले लूंगी एंड दैट वे आई विल फाइंड आउट वन सच वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स, या जो मुझे बता रही है, बाकी सारी सिटीज के जो टेम्परेचर है इसके आसपास होंगे. ओके सबसे पहले वैल्यूज कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो डिवाइडेड बाय 9 होगा, क्योंकि 9 वैल्यूज हैं. अब मुझे इन सबको ऐड करना है. वी लैड 28 प्लस 29 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 27, ओके, देन 40 प्लस 38 प्लस 43 प्लस 18. ओके सो ऐड करके मेरा आंसर है 268. आई होप आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा. एंड प्लीज़ साथ साथ इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डू टेक अ कॉपी एंड पेंसिल एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ठीक है, ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए. 268 डिवाइडेड बाय 9 इज गोइंग टू गिव मी हाउ मच, 29.78 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो दिस इज सच अ वैल्यू दैट इज रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर ऑफ ऑल अदर सिटीज. राइट, चलो ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डू अनदर क्वेश्चन.
इफ द एवरेज ऑफ द गिवन डाटा, अब मेरे इस पे मेरे को एवरेज या मीन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और मुझे एक ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करनी है, वन ऑफ द नंबर्स आई हैव टू फाइंड आउट. इफ द एवरेज ऑफ द गिवन डाटा डैट इज 16 प्लस 10 प्लस 12 प्लस एक्स प्लस 22, ठीक है, इसका एवरेज गिवन कितना है 14, एंड नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 14, राइट. अब क्या करना है, 5 इधर जाके 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो वी आर गोइंग टू ऐड दिस, दिस इज 22 एंड 42, 44, ओके 44 प्लस 16 इज गोइंग टू गिव मी हाउ मच 60, ठीक है, 60 प्लस एक्स, एंड ये 5 इंटू 4 उधर जाके कितना हो जाएगा, ओके सॉरी दिस इज 5 इंटू 14, मैंने 4 पढ़ लिया, 14 इंटू 5 इज इक्वल टू 70, राइट, ओके प्लस 22, ओके तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ ये ऐड हो रहा है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, विच इज 70 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 10. तो जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन थी वो थी 10. अब आप एक काम करो, एक्स की जगह 10 पुट करके फिर इन सब नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 5 करो, योर आंसर विल बी इक्वल टू 14 ओनली, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर 10 थी. अब ये जो है ये 60 आ रहा है, 60 प्लस 10 कितना हुआ 70, ठीक है, एंड 70 डिवाइडेड बाय 5 इज गोइंग टू गिव यू 14 ओनली. तो मतलब जो मेरा आंसर है वो एक्चुअली इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, एंड अगेन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके व्हेन अ नंबर एक्स इज एडेड टू द डाटा सेट 4, 8, 20, 25, 32 द न्यू मीन इज 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. सो बेसिकली सेम क्वेश्चन है, 4 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 32, इसके अंदर मैंने एक्स को भी ऐड कर दिया, ठीक है, तो जो मेरा मीन है वो कितना आ रहा है 15 है, राइट. तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाय 6. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू ऐड ऑल ऑफ देम, इन सबको ऐड करूंगी, ये 16 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 90, ओके चलो कर लेते हैं ऐड. मैं होमवर्क देने वाली थी पर मुझे पता है तुम लोग नहीं करोगे सॉल्व, ठीक है. 28 प्लस 25 प्लस 4 प्लस 32, ओके सो दिस इज 89 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90. तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 90 माइनस 89 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1 आनी चाहिए. ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड. आई होप मीन एंड एवरेज इज क्लियर टू एवरी वन, एंड किस तरह से हम मिसिंग वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. इधर ये डिवाइड हो रहा था तो दैट्स वाई वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, ओके कहाँ पे है, मूविंग फॉरवर्ड. ओके एंड नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीडियन. अब मीन की वैल्यू कर ली कि मीन एवरेज होता है, ठीक है, मीन की बात कर ली, अब मीडियन की बात करते हैं. मीडियन रेफर्स टू द वैल्यू दैट लाइज इन द मिडल ऑफ द डाटा. अब एग्जैक्टली सेंटर में लाई करना चाहिए हमारा मीडियन. फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा. ओके अब अगर मैं देखूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 9 डिजिट्स है मेरे पास, 4 इधर हो गए, ठीक है, 4 इधर हो गए, एंड सेंटर में क्या लाई कर रहे हैं 13. सो इज 13 एक्चुअली माई मीडियन, इज इट दैट ईजी? नो बेटा, मैं डायरेक्टली नहीं कह सकती कि 13 इज माई मीडियन. मीडियन का पहला रूल है, अगर आप ये रूल को नहीं फॉलो करोगे तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे. यू हैव टू अरेंज द डाटा, ओके, ऑलवेज अरेंज द डाटा. अरेंज मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, एक सीक्वेंस में होना चाहिए. ऐसे नहीं कि पहले 19 आ रहा है, फिर 16, फिर 12, फिर 14. नो, सो लेट्स अरेंज इट इन द असेंडिंग ऑर्डर. सो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इट इज 11, देन वी हैव 2 टाइम्स 12, देन वी हैव 13 टू टाइम्स, है ना, देन वी हैव 14, 15, 16 एंड 19, राइट. सो नाउ आई विल सी कि एकदम सेंटर में कौन सा लाई करे. सो इसमें भी सेंटर में 13 लाई करे, बट दैट इज अ कोइंसिडेंस, ठीक है. चार नंबर इधर हो गए, चार नंबर इधर हो गए, तो सेंटर में वैल्यू आ रही है 13, राइट. सो अरेंज करने के बाद डिफरेंट भी आ सकती है,
बट यू ऑलवेज हैव टू अरेंज इट. सो नाउ येस 13 इज द मीडियन. अब मुझे डेफिनेटली पता है कि मेरा आंसर सही है. क्यों? क्योंकि मैंने अरेंज करने के बाद सेंटर वैल्यू निकाली है. ठीक है, सो मीन में मुझे अरेंज करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसमें मुझे ऐड ही करना होता है. और हम लोगों ने पढ़ा था दैट एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, कि अगर मैं ऑर्डर चेंज भी कर देती हूँ, ठीक है, दोनों का ऑर्डर चेंज भी कर दे, तो एडिशन का आंसर तो सेम ही आएगा, है ना. चाहे 5 + 3 + 2 कर लो, ठीक है, चाहे 2 + 3 + 5 कर लो, आंसर तो 10 ही आएगा. बट इन दिस केस आई डोंट हैव टू डू एनी ऑपरेशन, आई जस्ट हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रल वैल्यू, तो अरेंज करना पड़ेगा. ओके, चलो फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा. अब इस डाटा का मुझे मीडियन फाइंड आउट करना है. ओके, अगेन द रूल रिमेन्स द सेम. लेट्स अरेंज देम, लेट्स अरेंज द नंबर्स. ओके, सबसे छोटा नंबर दैट आई कैन सी इज 6. ठीक है, इसको ना मैं कट आउट कर देती हूँ थोड़ा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी कौन सा लिख लिया कौन सा नहीं. देन वी हैव 9. ओके, आफ्टर 9 वी हैव 10, राइट. 10 के बाद क्या है? इट इज 12 एंड 13 एंड 14. ठीक है, 12, 13 एंड 14. उसके बाद वी हैव 18, 19, 20 एंड 25. सो नाउ लेट्स सी, लेट्स काउंट द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नाउ आई हैव 10 डिजिट्स. तो अब एकदम सेंटर में तो मैं देख नहीं पाऊंगी. n की वैल्यू इज इवन, n इवन है. जब n ऑड होता है तब तो क्या होता है, इक्वल नंबर्स मुझे दोनों साइड मिल जाते हैं और मैं एक सेंट्रल वैल्यू उठा लेती हूँ. ठीक है, बट इस केस में क्या है, अब देखो यहाँ पे वी हैव 5 नंबर्स ओवर हियर, ठीक है, एंड 5 नंबर्स ओवर हियर. अब सेंटर में क्या है, इन दोनों के सेंटर में क्या लाई करेगा, वो कैसे पता लगेगा. इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, जो भी सेंटर की दो वैल्यूज होती है ना, इनका एवरेज ले लेते हैं या फिर इनका मीन ले लेते हैं, क्योंकि अब मुझे देखना है कि इनके भी सेंटर में क्या लाई करेगा. ठीक है, सो दिस इज 13 + 14 / 2, राइट. सो दिस इज 27, है ना, यस. ठीक है, दिस इज 26. सो इनको ऐड करके आएगा 27 / 2, which is equal to how much? It is equal to 13.5. तो वैसे भी अगर आप देखोगे 13 और 14 के बिल्कुल सेंटर में क्या लाई करने वाला है, 13.5 ही लाई करेगा. सो योर मीडियन इन दिस केस इज 13.5. ओके, वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, इज मीडियन ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स ऑफ द डाटा, इज मीडियन ऑलवेज वन ऑफ द वैल्यू या नंबर ऑफ द डाटा, तो इसका आंसर क्या बताओगे, बताओ. ऑलवेज नो. क्यों? क्योंकि जब भी मेरे पास n जो है इवन होगा, उस केस में मेरे पास एक ऐसी वैल्यू उन दोनों के बीच की, जो एक ऐसी वैल्यू आएगी जो डाटा में नहीं है. 13.5 वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ योर डाटा, बट स्टिल इट इज द मीडियन. अगर वो पूछेंगे कि जब भी ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तब क्या मीडियन डाटा सेट में से होगा, देन आई विल से यस. ओके, सो बी क्लियर विद दिस थिंग. ऐसा ट्रू फॉल्स में या वन मार्क क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आ जाते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट वी हैव मोड ऑफ द डाटा. अब मोड क्या होता है, द वैल्यू दैट अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द गिवन सेट ऑफ डाटा. ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू है जो रिपीट हो रही है. तो इसमें भी अब जैसे छोटे डाटा, अभी कम डाटा है, ठीक है, तो मैं कैसे देख सकती हूँ, आई कैन सी बाय ऑब्जर्वेशन. ठीक है, आई कैन सी बाय ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब, कि बस आंखों से देख लो कि कौन सा नंबर ज़्यादा बार दिख रहा है. तो देख लेते हैं, मेरे को 5 दिख रहा है, 1, 2, 3, 4. ठीक है, 5 इज अकरिंग 4 टाइम्स. उसके अलावा मुझे 8 दिख रहा है, 8 तो 3 टाइम्स आ रहा है, 4 भी 3 टाइम्स अकर हो रहा है. सो येस, सो आई विल से दैट मोड ऑफ द डाटा इज इक्वल टू 5. ठीक है, ये नहीं कि 5 4 टाइम्स अकर हो रहा है तो 4 मोड होगा. जो मोड होगा दैट इज द नंबर दैट इज अकरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. क्लियर, क्लियर टू एवरीवन. ओके, अगर आप अरेंज करना चाहो, आप इसको अरेंज भी कर सकते हो, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि 5 सबसे ज्यादा बार आ रहा है. सो अब मोड में अरेंज करना है कि नहीं, दैट इज टोटली अप टू यू. मीडियन में हमेशा अरेंज करना है, एंड मीन में अरेंज करने की जरूरत नहीं है वैल्यूज को. ओके, चलो आगे चलते हैं.
फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा. अगेन अब मुझे डाटा सेट में से मोड फाइंड आउट करना है, एंड इसमें क्या है, इसमें तो नंबर्स भी नहीं गिवन, अल्फाबेट्स गिवन है. सो इवन इफ एनी सिंबल और अल्फाबेट इज गिवन टू यू, मोड क्या होगा, इट इज द वैल्यू दैट अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. तो लेट्स सी, टी की बात करते हैं. टी कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स. ओके, टी 7 टाइम्स अकर कर रहा है. बाकी मुझे दिख रहा है कि वाई काफी बार आ रहा है, ठीक है. सो दिस इज 3, 4, 5, 6 एंड 7, और 7 टाइम्स क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, ठीक है. फिर है वी, है वी तो सिर्फ 4 टाइम्स आ रहा है, एक्स इज 3 टाइम्स एंड सी इज 2 टाइम्स. सो इन दिस केस यू विल सी जो टी एंड वाई है दोनों ही 7-7 टाइम्स अकर कर रहे हैं, विच इज मैक्सिमम. सो सॉरी, दोनों ही मेरे मोड होंगे. सो अगर क्वेश्चन आप लोगों को आता है, कैन अ डाटा सेट हैव मोर देन वन मोड, कैन अ डाटा सेट हैव मोर देन वन मोड, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यस, दिस इज ट्रू, यस, ठीक है. क्योंकि मोड क्या है, अब हो सकता है कि वाई वी भी 7 नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा होता तो भी क्या होता, वो सारी मोड होते, ठीक है. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1, 2, 3, इस डाटा सेट के कितने मोड्स हैं, 3 मोड्स हैं, क्योंकि 1 भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, 2 भी और 3 भी. सो इन दैट केस जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है, चाहे ये एक एक बार ही आ रहे हैं पर आ तो तीनों रहे हैं ना, तो तीनों ही जो है मेरे मोड हो जाएंगे. ओके, एंड इफ द सेम क्वेश्चन गाइज इज आस्क्ड फॉर योर एवरेज, मीन एंड मीडियन, तब आप लोग क्या बोलोगे. इन केस ऑफ मीन एंड मीडियन द आंसर इज फॉल्स, ठीक है. क्यों, क्योंकि एवरेज वैल्यू भी एक ही होगी, ठीक है, और मीडियन वैल्यू जो सेंट्रल वैल्यू है वो भी एक ही होगी, दे कांट बी टू, राइट. सिर्फ मोड है जो मोर देन वन हो सकता है. डाटा सेट कैन हैव मोर देन वन मोड, बट इट कैन हैव ओनली वन मीन एंड वन मीडियन, राइट. इज इट क्लियर टू एवरी वन. सो दिस वॉज आर मेन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, जिसके अंदर हमने एवरेज किया, मीडियन किया. अब मीडियन के अंदर 2 केसेस आते हैं, एक तो होता है जब द नंबर ऑफ वैल्यूज आर ऑड, तब तो मेरे पास एक सेंट्रल वैल्यू दिखती है, बट व्हेन द डाटा सेट इज इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो मुझे सेंटर की 2 वैल्यूज का एवरेज लेकर मीडियन निकालना पड़ता है. सो बी वेरी क्लियर विद इट एंड ऑलवेज अरेंज द डाटा. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, देन वी हैव द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है. व्हेन द डाटा सेट इज लार्ज वी यूज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड टेली मार्क्स टू फाइंड आउट द मोड. तो अगर बहुत सारे नंबर्स है ना, तो हम ना इस तरह से एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे जो भी मेरा यू नो वट एवर द वैल्यूज आर गिवन, जैसे मार्क्स गिवन है, ठीक है, इधर मैं क्या लगाती हूँ, टैली मार्क्स यूज करते हैं. टैली मार्क्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के जैसे 15 मार्क्स हैं, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि मान लो 6 बच्चों के 15 मार्क्स ही आए हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में आ गया 6 एंड टैली मार्क्स कैसे होगा, 1, 2, 3, 4, फिफ्थ वाला टैली मार्क इज ऑलवेज क्रॉसिंग आउट एंड ये हो गया मेरा 6th टैली मार्क, ठीक है. इस तरह से हम टैली मार्क्स लगाते हैं, या कॉमन ही आएगा, सॉरी आई जस्ट करेक्ट इट, राइट. सो दीज आर हाउ यू पुट द टैली मार्क्स, राइट. सो ये यूजली तब होता है जब डाटा सेट काफी लार्ज होते हैं या मोड मुझे लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज का निकालना होता है. ओके, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट. सो लेट्स सी, पहले 25 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. यस, ठीक है. तो ये 25 है एंड आपका जो टोटल है ना फ्रीक्वेंसी का वो 25 आएगा, क्योंकि जितनी वैल्यूज हैं उतना ही आएगा ना, उससे ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी का टोटल आ नहीं सकता. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद 9, ठीक है. 9 सबसे छोटी दिख रही है मुझे वैल्यू यहाँ पर. ओके, अब मेरे को देखने कितने बच्चों के 9 मार्क्स आए हैं. सो 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी मैंने 19 को कट कर दिया. सो हाँ, स्क्रीन पे देखते हो प्रॉब्लम होती है, बट आप लोग भी ना इसे एडवाइस करूंगी दैट यू ऑल्सो स्टार्ट कटिंग द नंबर्स, ठीक है, पेंसिल से, ताकि आपका कोई भी मिस आउट ना हो जाए डिजिट. सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो 9 जो है, मतलब जो 9 मार्क्स हैं 6 बच्चों के आ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे आएगा 6 बच्चों के 9 मार्क्स आ रहे हैं एंड दैट आई विल राइट अंडर फ्रीक्वेंसी, और इस तरफ आएंगे मेरे टैली मार्क्स. ओके, सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6.
ओके नेक्स्ट दैट इज नेक्स्ट सेट ऑफ मार्क्स दैट वी हैव दैट इज 12, ठीक है. अब देखते हैं 12 कितने बच्चों के आए हैं, 1 and 2, 3, 4, ठीक है, चार बच्चों के आए हैं 12 मार्क्स. सो लाइक दिस आई विल पुट द टैली मार्क्स. देन नेक्स्ट वी हैव 17, देखते हैं कितने बच्चों के 17 मार्क्स आए हैं. सो 1, 2, 3, 4, तो चार ही बच्चों के 17 मार्क्स आए हैं, 1, 2, 3, 4. ओके देन वी हैव 19 and 20. सो 19 कितने बच्चों के आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो 6 बच्चों के 19 मार्क्स आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. लास्ट में हमारे पास बचते हैं 20 मार्क्स. तो 1, 2, 3, तीन बच्चों के आए हैं 20 मार्क्स, 1, 2 and 3. और लास्ट में है 25. और कितने बच्चों के 25 आए हैं, सिर्फ दो बच्चों के 25 मार्क्स आए हैं. सो हम यहाँ लिखेंगे 2 एंड वील पुट द टैली मार्क्स. सो नाउ यू हैव टू डू फ्रीक्वेंसी का टोटल एंड देखेंगे कि आंसर 25 आ रहा है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मुझे ये बता रही है कि कितने बच्चों के 9 मार्क्स आए हैं. तो ये जो टोटल बच्चे तो उतने ही होंगे ना जितने बच्चों के मार्क्स गिवन है. सो इट शुड बी इक्वल टू 25. सो यू विल काउंट दिस, 6 + 4 = 10, अगेन 20 and 5. सो येस 25 मेरी फ्रीक्वेंसी आ रही है, टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज हाउ आई विल पुट द मोड ऑफ द डाटा इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अच्छा, अब इस केस में मेरा मोड है क्या, मैंने सब कुछ बना तो लिया, बट वॉट इज द मोड, मॉडल मार्क्स क्या है या फिर मोड क्या है. द आंसर इज 9, 19. ये दोनों ही जो है, दोनों ही वैल्यूज जो है वो मेरा मोड ऑफ द डाटा है, क्योंकि ये दोनों ही मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रही है, 6 times each. तो 9 marks और 19 marks आर द मोड ऑफ द डाटा. तो मतलब मैक्सिमम बच्चों के 9 आए हैं या 19 आए हैं. ओके, क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो दिस इज अगेन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट, एंड दिस इज योर होमवर्क. इसमें भी आपको सेम चीज करनी है, ठीक है. आपको हाइट गिवन है डिफरेंट बच्चों की सेंटीमीटर में. सो यू विल अरेंज द डाटा, यहाँ पे आएगा हाइट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका टैली मार्क्स, या फिर इधर लिख लो या नेक्स्ट कॉलम में लिख लो, डजंट मैटर. एंड यहाँ पे आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी, फ्रीक्वेंसी का टोटल शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन टू मी, ठीक है. सो दिस इज योर होमवर्क. डू टेल मी इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है. ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल वैसे करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, एंड ऑल्सो कट आउट द वैल्यू सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग, राइट. चलिए नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेंज. ओके, रेंज की बात करते हैं. वॉट इज रेंज? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द गिवन डाटा सेट, ठीक है. सो हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज. सो दैट्स ऑल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, राइट. तो कोई भी अगर आपके पास डाटा सेट गिवन है, वैल्यूज गिवन है, उसका हाइएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू करनी है. सो लेट्स, वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा. हाइएस्ट नंबर मुझे दिखता है 25.5 एंड लोएस्ट वैल्यू जो मुझे दिख रही है दैट इज 12.5. तो इसमें भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. यू कैन सिंपली माइनस बाय ऑब्जर्वेशन, आप अपनी आंखों से देखकर बता सकते हो कि कौन सी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है एंड कौन सी नहीं, ठीक है. इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये होगा 0, दैट इज 3 and 1. सो दिस इज योर आंसर इज इक्वल टू 13. सो 13 इज द रेंज ऑफ द डाटा. इट्स जस्ट लाइक जैसे हम कहते हैं कि वाईफाई की रेंज कितनी है, मतलब इस वाईफाई के पॉइंट से लेके कितनी एरिया में सिग्नल आ रहा है. सो लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट कितनी रेंज है. हम बोलते हैं फोन की कितनी रेंज है कि यार रेंज नहीं आ रही, मतलब आई एम आउट ऑफ द रेंज. जैसे अब किसको फोन करते हो, ठीक है, ऐसे आता है ना, इज आउट ऑफ नेटवर्क एरिया. इज आउट ऑफ द नेटवर्क एरिया का मतलब यही होता है कि वो रेंज से बाहर है, वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा. सो रेंज कितने से कितने के बीच में ही नंबर्स लाई कर रहे हैं, 25.5 और 12.5 के बीच में नंबर्स लाई कर रहे हैं. तो कोई भी जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो इनसे बड़ा नहीं जाएगा, इनके बीच में ही आएगा, ठीक है. दैट इज व्हाट द रेंज मींस, ठीक है. तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई भी क्वेश्चन गिवन हो बस आपको सीधा हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू कर देना है. ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके,
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इज ऑफ बार ग्राफ्स. ठीक है, बार ग्राफ्स क्या होते हैं? इट इज़ द पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. ठीक है, अगर मुझे डाटा को उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करने के लिए या फिर उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के लिए मैं बार ग्राफ्स का यूज़ कर लेती हूँ. ठीक है, एक पिक्चर का यूज़ कर लेती हूँ जिससे मेरे को पिक्चर देखते ही पता लग जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू इन्फर फ्रॉम द डाटा. चलो लेट्स ड्रॉ इट एंड इट विल बी मोर क्लियरर टू यू. ठीक है, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस. ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल है दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड ऑलवेज लेबल इट. दिस इज योर वाई एक्सिस एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लेट्स टेक क्लास. ठीक है, ये पे यहाँ पे आएगी हमारी क्लास कि कौन सी क्लासेस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. एंड यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लासेस. ओके, तो अब हमें लेना है एक स्केल. ठीक है, हमें स्केल लेना होता है कि जो वन ब्लॉक है मेरा, ठीक है, दैट वन यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी किड्स. ठीक है, तो मैं इस केस में ले रही हूँ 10 किड्स या 10 चिल्ड्रेन. ठीक है, वन यूनिट इज 10 चिल्ड्रेन. तो अगर ये 0 है दिस विल बी 10, 20, 30, 40 एंड 50. ठीक है, तो मतलब 0 से 10 के बीच में बच्चे इसमें लाए करेंगे, 0 से 20 इसमें, देन 30, 40 एंड 50. राइट, एंड आप इसको स्केल से ड्रॉ करोगे क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है सेम होना चाहिए. आप 1 इंच का ले सकते हो, आप 1 सेंटीमीटर का ले सकते हो. ठीक है, बस इक्वल डिस्टेंस आना चाहिए. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्लास. ठीक है, ये है फर्स्ट क्लास एंड अब मुझे 45 तक जाना है. तो अब आपके पास स्केल है, आप इसके अंदर ना यू कैन ड्रॉ 10 इक्वल पार्टीशंस. तो एकदम जो 45 है ये 40 और 50 के बीच में लाए करेगा. राइट, सो यहाँ पे आप हमें बार ग्राफ ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस. दिस इज रिप्रेजेंटिंग 45 स्टूडेंट्स. ठीक है, यू कैन शेड इट, यू कैन कलर इट, एनीथिंग टू जस्ट मेक इट लुक प्रेजेंटेबल. देन सेकेंड क्लास की बात करते हैं. अब ये डिफरेंट है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. अब हम सेकेंड के बारे में बात करते हैं. तो 26, आप 20 और 30 के बीच में लाया करेगा. अगर ये एकदम हाफ वे 25 है तो इसके थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ मैं. सो दिस इज माई सेकेंड क्लास स्टूडेंट्स, दैट इज 26 स्टूडेंट्स इन सेकेंड क्लास लाइक दिस. ओके, फिर है थर्ड क्लास. अब थर्ड क्लास में कितने बच्चे हैं, 32. तो ये 30 से थोड़ा सा ऊपर होगा. सो हेयर आई विल शो 32 किड्स. राइट, देन वी हैव फोर्थ वन. तो वो एकदम 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग है. तो फोर्थ क्लास में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं. सो इट कैन बी एनीथिंग. ये मार्क्स हो सकते हैं कि फर्स्ट क्लास में 45 मार्क्स आए थे, सेकंड क्लास में 26 मार्क्स आए थे. तो हम कंपैरिजन के लिए बेसिकली हम बार ग्राफ्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब जस्ट अगर मेरे पास ये टेबल गिवन नहीं होता, जस्ट बाय लुकिंग एट द बार ग्राफ, ठीक है, इवन इफ आई हैड नॉट रिटन दीज वैल्यूज ऊपर, चलो मैं इनको भी नहीं लिखती. ठीक है, अगर आपने कॉपी में अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है तो आप देखकर बार ग्राफ्स को बता सकते हो कि फर्स्ट क्लास में 45 बच्चे थे, सेकेंड क्लास में 26 थे, थर्ड क्लास में 32 थे एंड फोर्थ में 30 थे. सो लाइक दिस, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस. ठीक है, इट शुड बी वेरी नीट एंड टेक द स्केल प्रॉपरली. ओके, चलो. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डबल बार ग्राफ. अब डबल बार ग्राफ क्या होता है, ये होता है बेसिकली कंपैरिजन के लिए. सो इसमें आप देख सकते हो, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि व्हाट इज लाइक व्हाट द क्वेश्चन इज. इसमें आई डिड नॉट हैव द स्पेस तो मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर के मार्क्स के बीच का कंपेरिजन गिवन है ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. ठीक है, इधर सब्जेक्ट्स हैं और फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में कितने कितने मार्क्स आए उन सब्जेक्ट्स में, दैट इज गिवन टू मी. सो अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है थ्रू अ डबल बार ग्राफ. ओके, चलो अगेन इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है, हम एक्स एक्सिस पे क्या दिखाते हैं, जो भी हमारी सब्जेक्टिव टर्म्स होती है, नंबर्स नहीं होते. सो यहाँ पे मैं शो करूंगी सब्जेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस आई एम गोइंग टू शो माई मार्क्स ऑफ डिफरेंट सेमेस्टर्स. ठीक है, तो यहाँ मैं क्या शो कर रही हूँ, मार्क्स. अब मुझे लेना है स्केल. ठीक है, तो अब आप देखोगे कि मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी जा रही है, 40 जा रही है. ठीक है, एंड कुछ भी पॉइंट्स में नहीं है. सो आई कैन, व्हाट आई कैन डू, आई कैन स्टिल टेक दैट वन यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच, 10 मार्क्स. एक यूनिट मुझे 10 मार्क्स दिखाएंगे. सो दिस इज 0, 10, 20,
30 एंड 40, ठीक है. सो दिस इज 10, 20, 30, 40, ठीक है. अब आप क्या कर सकते थे, आप 5-5 का भी ले सकते हो डिस्टेंस, ठीक है. बट उसमें क्या होगा कि आपको वो डिवीजन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है. नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है. मैंने 10 का डिफरेंस लिया है एंड फर्स्ट वन इज आर. अब हम बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है. मैथ्स है हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं 35 मार्क्स, तो ये 30 और 40 के बीच में लाई करेगा 35 यहाँ पर, ठीक है. अब इस केस में लेट्स आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट कि ये जो खाली ब्लॉक है इट इज़ माई फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, क्योंकि मुझे डिस्टिंक्शन भी करनी पड़ेगी ना. एंड जो शेडेड वाला है दैट शोज माई सेकेंड सेमेस्टर, तो इस तरह से ऑलवेज टेल. देन सेकेंड सेमेस्टर में कितने आ रहे हैं 25, तो वो यहाँ पे लाई करेगा. एंड हम इसके साथ ही बनाते हैं डबल बार ग्राफ, ठीक है, क्योंकि मुझे कंपेरिजन करना है. ओके, नाउ माई नेक्स्ट सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी इंग्लिश. सो लेट्स सी इंग्लिश में कितने मार्क्स है, 40 इन द फर्स्ट सेमेस्टर लाइक दिस. एंड सेकेंड सेमेस्टर में कितने मार्क्स है, 34. सो ये 35 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, दिस इज 34 मार्क्स इन द सेकेंड सेमेस्टर, तो इसको भी मैं शेड आउट कर दूंगी. ओके, नेक्स्ट वी हैव SST, ठीक है. यहाँ पे SST शो कर रही हूँ, लेट्स रेज दिस थिंग. ओके, SST में आ रहे हैं 28 मार्क्स, जो एकदम ऐसे 30 के पास होगा. थोड़ा सा आप स्केल से अच्छे से मेजर करके बनाना, यहाँ पे मैं थोड़ा आइडिया लेके बना रही हूँ जस्ट. एंड देन वी हैव 32, दैट इज अबव 30. सो ये हो गए मेरे SST के मार्क्स एंड वी आर गोइंग टू शेड दिस वन. उसके बाद लास्ट में है साइंस, तो साइंस में भी सेम स्टेप करेंगे. 36 इन द फर्स्ट सेमेस्टर समवॉट ओवर हियर एंड उसके बाद 20 मार्क्स इन द सेकेंड सेमेस्टर. तो इसमें तो देखो सबसे ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं. ओके, सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ डबल बार ग्राफ, ठीक है. अब इसमें से मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ कि चलो बताओ सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस में रहा. सो यू कैन सी कि इंग्लिश में कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी ठीक मार्क्स हैं और सेकेंड सेमेस्टर में भी सबसे ज़्यादा इंग्लिश में ही आया है. तो मैं बोल दूंगी कि बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट वॉज इंग्लिश. अब मैं पूछती हूँ अगर आपसे कि ओवरऑल रिजल्ट किस में अच्छा रहा, तो ऑब्वियसली यू कैन सी एट द ग्राफ एंड से कि फर्स्ट सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट ज़्यादा मार्क्स थे SST को छोड़कर, ठीक है. सो इसी पे बेस्ड अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सेकेंड सेमेस्टर में परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, तो वो सिर्फ SST में है कि आप बार ग्राफ को देख के बता सकते हो सिर्फ SST में मार्क्स जो है वो सेकेंड सेमेस्टर में ज़्यादा आए थे, ठीक है. सो फॉर लाइक दिस यू कैन आंसर द क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन द बार ग्राफ जस्ट बाय लुकिंग एट देम. ओके, क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज चांस एंड प्रोबेबिलिटी. अब चांस एंड प्रोबेबिलिटी के क्या क्या होते हैं, द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. चांस ऑफ अकरेंस, ओके, कई चीज़ें होती हैं, एक होते हैं सर्टेन इवेंट्स और कई होते हैं अनसर्टेन इवेंट्स. तो अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि क्या आज व्हाट इज़ द कितने चांसेस हैं कि आज आप एक एलियन से मिलोगे, ठीक है, आप बोलोगे चांस ही नहीं है, अभी कहाँ से आ जाएगा एलियन. सो उसको हम कहते हैं दैट दे विल नॉट हैपन, उसकी सर्टेनिटी है, उसके चांसेस जो हैं द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू जीरो, की चांस ही नहीं है, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है. ओके, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि वॉट इज द प्रोबेबिलिटी या कितने चांसेस हैं कि अभी नेक्स्ट सेकेंड में दैट यू आर गोइंग टू कि तू सांस लेता रहेगा, ठीक है, तू सांस लेगा अभी, तो बोलेगा मैं तो ले रहा हूँ सांस, ठीक है, तो इसके चांसेस कितने हैं, इट इज 100% चांसेस कि डेफिनेटली आई विल ब्रीथ, ठीक है. ओके, डोंट थिंक अबाउट कि अगर यू नो सडन डेथ एंड ऑल, नो, ठीक है, हम लोग तो सांस लेते रहेंगे ना कि अभी नेक्स्ट सेकंड में सांस लेने वाली हूँ, मुझे पता है. सो उसके चांसेस कितने हैं, 100% चांसेस है कि वो पक्का होके रहेगी, ठीक है. अब कई इवेंट्स होते हैं कि मैं ये भी नहीं कह सकती कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है और ये भी नहीं कह सकती कि होकर ही रहेगा. जैसे 100% चांसेस किसके होंगे, दैट सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, इसके कितने चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं, ठीक है, डेफिनेटली ये टोटली पॉसिबल इवेंट है, राइट. सो मैं क्या बोलूंगी, 100% चांसेस. एंड 100% का क्या मतलब होता है, 100/100 होता है ना, तो ये कैंसिल आउट करके 1 ही आ गया. सो दैट मींस कि अगर कोई सर्टेन इवेंट है कि ये चीज़ होकर ही रहेगी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है,
ठीक है, अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है जो नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, राइट? एंड सम प्रोबेबिलिटीज हैं जो जीरो और वन के बीच में लाइक करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. ओके, सो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस, आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन. इसका एक फॉर्मूला होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. ठीक है, कि टोटल आउटकम्स कितनी है. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डाइस की बात करते हैं, ठीक है, एक डाइस की बात करते हैं जिससे हम लूडो खेलते हैं, उसमें कितने नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछती हूँ दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, कि आपने डाई थ्रो की और इवन नंबर आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. अब फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो मैं चाहती हूँ आंसर आए, तो मैं चाहती हूँ या फिर 2, 4 या 6, यही 3 इवन नंबर्स है ना, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 3. इन तीनों में से कोई भी नंबर आ जाए मेरे लिए फेवरेबल है. एंड टोटल आउटकम्स आ कितनी सकती है, इन 6 में से कोई आ सकती है, सो टोटल आउटकम्स में मैं लिख दूंगी 6. सो माई आंसर इज 1/2. सो वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, वो है 1/2, क्योंकि 50-50 चांसेस हो गए. ठीक है, नाउ बिकॉज दे आर 50-50 चांसेस, राइट? ओके, अब मैं अगर आपसे बोलती हूँ दैट वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5, तो इसका क्या आंसर होगा, मल्टीपल ऑफ 5 1 से 6 में से एक ही नंबर है, दैट इज 5. ठीक है, मतलब जो 5 के टेबल में आते हैं, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 1s are 5. सो फेवरेबल आउटकम्स एक ही हैं, क्योंकि मैं एक ही नंबर आ सकता है जो मैं चाहती हूँ. एंड टोटल आउटकम्स कितनी है, 6 है, तो इसमें मेरा आंसर क्या कितना होगा, 1/6, कि 6 में से सिर्फ एक ही, मतलब टोटल में से सिर्फ एक ही आने की प्रोबेबिलिटी है, सो दिस इज 1/6. अब अगर इवन की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ऑड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, क्योंकि या इवन नंबर होगा या ऑड होगा, ऐसा तो कोई नंबर नहीं है ना जो इवन भी ना हो और ऑड भी ना हो, सो दिस इज अगेन 1/2 ओनली. ठीक है, क्योंकि क्या बचता है, 1, 3 and 5 बचता है, सो दिस इज ऑल्सो 3/6, राइट? आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन. देन वी हैव इक्वली लाइकली इवेंट्स. इफ ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हैज एन इक्वल चांस ऑफ अकरेंस, देन दीज आउटकम्स आर इक्वली लाइकली. ठीक है, सो इक्वल चांस ऑफ अकरेंस की अगर हम बात करते हैं, मैंने डाई थ्रो की, एक डाइस थ्रो करने पे 1 से 6 नंबर आने के इक्वल चांसेस हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि डाई बायस्ड है या कुछ, अब मुझे नहीं पता कि क्या आंसर आएगा. ठीक है, लेकिन 1 से 6 आने की सेम प्रोबेबिलिटी है जो 1 आने की प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, 1/6 है. ठीक है, अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, क्योंकि मैं 1 एक ही फेवरेबल आउटकम है, दैट इज 1. अब अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 2 की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी भी 1/6 ही होगी ना, क्योंकि दो नंबर भी तो एक ही बार अकर हो रहा है, मेरे लिए ये पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए मुझे, सो दिस इज 1 पर्टिकुलर रिजल्ट, दिस इज 1/6. तो इसी तरह हर नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, सो दे हैव इक्वल चांस ऑफ अकरिंग. ओके, अगर अब एक कॉइन की बात करते हैं, ठीक है, कॉइन की बात करते हैं, हेड्स या टेल्स आ सकते हैं, या हेड्स आएगा, कॉइन को मैंने टॉस किया तो या हेड्स आया या टेल्स. ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, वो भी 1/2 होगी, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, दैट इज ऑल्सो 1/2, राइट? सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स. ओके, चलो लेट्स डू अ क्वेश्चन. देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स. ठीक है, एक बॉक्स है मेरे पास और उसमें इस तरह से मान लो 6 मार्बल्स पड़े हैं, कितने हो गए, 5 and 6, और उसमें नंबर भी है. ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5 and 6, इस तरह से नंबरिंग भी हो रखी है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2. अब मैं देख नहीं रही हूँ, जिस मैंने हाथ डाला बॉक्स में, और मैं चाहती हूँ मेरा आंसर जो है वो नंबर 2 आ जाए. ठीक है, अब चांस तो इक्वल है ना, कि मैं कोई भी बॉल उठा सकती हूँ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2 इज हाउ मच. मेरा फेवरेबल आउटकम क्या है, एक ही है कि मुझे नंबर 2 चाहिए, मतलब 1 बॉल इज माई फेवरेबल आउटकम, एंड टोटल बॉल्स कितनी पड़ी है, 6, सो आंसर इज 1/6. ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5, तो इसका भी जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल ऑल्सो बी 1/6. ठीक है, क्योंकि मेरी फेवरेबल आउटकम एक ही है, एक मार्बल चाहिए जिसपे नंबर 5 लिखा हो, सो इट इज ऑल्सो 1/6. सो दीज आर ऑल्सो वट, दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट्स. ओके, clear to everyone, and if again if you have any doubts you can ask me in the comment section. Okay, last question for you people of the our last
टॉपिक. इन 2010 देर वॉज अ सर्वे ऑफ 200 पीपल. सर्वे होता है कि 200 लोगों से ना कुछ क्वेश्चन पूछे. इट वॉज फाउंड दैट 82 लाइक ऑरेंज जूस वाई 118 डिसलाइक इट. सो 200 लोगों में से 82 को पसंद आया और 118 को नहीं अच्छा लगा. टोटल 200 हो गया. फ्रॉम दीज पीपल वन इज चोजन एट रैंडम. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन पर्सन डिसलाइक्स ऑरेंज जूस. ठीक है, दैट द चोजन पर्सन डिसलाइक्स ऑरेंज जूस. तो अब मेरी फेवरेबल आउटकम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक कितना है. मेरी फेवरेबल आउटकम है डिसलाइक होने की. ठीक है, एंड डिसलाइक कितने लोगों को मतलब अच्छा नहीं लग रहा, 118. तो मैं चाहती हूँ कि 118 में से कोई भी बच्चा आ जाए, मतलब कोई भी बंदा आ जाए. ठीक है, एंड टोटल बंदों में से कितने बंदों में से आ सकते हैं, आउट ऑफ 200 आ सकते हैं. ठीक है, तो डिसलाइक इज दिस मच एंड टोटल आउटकम्स कैन बी 200. बिकॉज अब मैं 200 लोगों में से आई एम गोइंग टू चूज अ पर्सन एट रैंडम. ठीक है, बट माई फेवरेबल थिंग इज कि वो जो पर्सन मैं चूज कर रही हूँ ना, वो इन 118 लोगों में से कोई हो. ठीक है, तो आप इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हो. 118 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 59 अपॉन 100. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ पर्सन आउट ऑफ 100. ठीक है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ पर्सन हु डज नॉट लाइक द ऑरेंज जूस. आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन. ठीक है, ओके. इन 150 थ्रोज ऑफ अ डाइस 2 इज ऑब्टेन 76 टाइम्स. इन अ रैंडम थ्रो ऑफ द डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2. ठीक है, सो अगेन मैं चाहती हूँ ये जो 76 टाइम्स अगर 2 आए तो मेरी फेवरेबल आउटकम भी यही होंगी ना, गेटिंग 2. मैं चाहती हूँ 2 आए. सो दिस इज 76 डिवाइडेड बाई 150. सो दिस इज गोइंग टू बी अवर प्रोबेबिलिटी. एनी वे इतना इस तरह के क्वेश्चन 7th में कम आने के चांसेस होते हैं, बट अगेन डिपेंड्स फ्रॉम स्कूल टू स्कूल. तो प्लीज प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, ओके. सो दिस इज 38 डिवाइडेड बाई 75. ठीक है, 38 बाई 75 इज द प्रोबेबिलिटी. Guys, that's all in this chapter, data handling, measures of central tendency, bar graphs, chance and probability. Right, so if you have any doubt, you can ask me in the comment section. And let me tell you about this very... Okay, here is some information for you. How to install the Unacademy app. You can find it on Google Play and App Store and it's totally free of cost. And we also offer you... प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड वेरी लिटिल कॉस्ट. अगर हम प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें, यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम. ट्यूशन पे इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है. यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज. तो इतनी बड़ी कंपनी के टॉप एजुकेटर्स आर गोइंग टू बी टीचिंग यू. आपको नोट्स मिलेंगे हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के PDF की फॉर्म में. प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, लाइव डाउट सोल्यूशन होंगे. सो ऑल ऑफ दैट अंडर द प्लस सब्सक्रिप्शन. एंड अगर प्राइसिंग की बात करें, बहुत कम कॉस्ट है. वी हैव डिफरेंट पैकेजेस. 3 मंथ्स का ले सकते हो, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स. यू कैन टेक एनी पैकेज. एंड अगर आप 12 मंथ से ज्यादा का लेते हो, 12 या 12 से ज्यादा, यू कैन ऑल्सो पे इन पार्ट्स. आप पर मंथ पेमेंट कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 15 मंथ्स का ले रहे हो तो आपको सिर्फ ₹1200 पर मंथ पे करना है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं. ठीक है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST, इवन यू नो संस्कृत एंड कंप्यूटर. एंड ऑल्सो यू विल गेट 10% ऑफ इफ यू विल यूज द कोड SPGSS10. ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप पर मंथ पेमेंट कर रहे हो तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा. डिस्काउंट तब भी मिलेगा इफ यू विल यूज दिस कोड. मूविंग फॉरवर्ड, आइकॉनिक में क्या है, प्लस के सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही. उसके अलावा यू गेट अ पर्सनल मेंटर, वन टीचर, वन स्टूडेंट, एंड सारा फोकस आप पे होगा. ऑल योर बेसिक्स विल बी क्लियर. स्टडी प्लानर मिलेगा, टाइम टेबल मिलेगा, योर प्रोग्रेस कैन बी ट्रैक. सो यू नो यू कैन बेसिकली एस योर एग्जामिनेशंस. ओके, मूविंग फॉरवर्ड देन दीज आर द प्राइजेस फॉर आइकॉनिक. इसके प्राइस थोड़े से प्लस से ज्यादा है, बट देन बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है एंड पर मंथ कॉस्ट बहुत कम रहेगी. ठीक है, इसमें ऑल्सो यू कैन पे इन पार्ट्स. राइट, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेकिंग फॉर 18 मंथ्स, तो आपको पर मंथ सिर्फ 1944 रुपीज देने हैं. एंड दिस इन दिस ऑल दीज बेनिफिट्स एंड ऑल द सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड. ऑल्सो 10% ऑफ इफ यू यूज द कोड SPGSS10. ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू गॉट दिस चैप्टर. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस. लेट्स क्रैक इट विद अन अकेडमी. थैंक यू सो मच.